एक दिन पहले ही SIT की रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे होते हैं। मैं आपको बता दूं कि कोर्ट के सामने ये बयान दिया जाता है और रिपोर्ट पेश की जाती है कि 2002 के गुजरात दंगे गोधरा कांड के मामले में PM नरेंद्र मोदी को घेरने की बड़ी साजिश की गई थी। बहुत बड़ा खुलासा किया जा रहा है कि 2002 में जो गोधरा कांड गुजरात में हुआ था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से घेरने का काम किया गया था। इसमें कई बड़े नेताओं का नाम भी सामने आ रहा है, आपको पूरी वीडियो में दिखाएंगे, वीडियो में बने रहिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका ओनली न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपको बता दूं कि SIT ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट सामने आने के बाद से भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात रखी थी। उनका कहना था कि तस्टा सितलवाड़ ने गुजरात सरकार को गिराने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए जो कुछ भी किया वह सारा का सारा कांग्रेस के इशारे पर किया, कांग्रेस को पूरी तरह से घेरने का काम किया संबित पात्रा ने। अब इस पर कांग्रेस का भी जवाब सामने आया है। बड़ी बात यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पार्टी ने भी इस पे अपना बयान दिया है। पार्टी ने अहमद पटेल पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही पलटवार किया है। लेकिन ये खारिज जो किया गया है कांग्रेस सरकार के द्वारा अहमद पटेल पर जो भी आरोप लगे हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है। कैसे नहीं है आपको हम आगे बताएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि मोदी जो है वो खुद ही जिम्मेदार है गोधरा कांड के लिए। उन्होंने मोदी को ही गोधरा कांड के लिए जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि सवाल ये है कि अगर अहमद पटेल इसमें शामिल नहीं थे तो संजीव भट्ट, तस्टा सितलवाड़ और अहमद पटेल जो ये तीनों के तीनों थे ये उनके घर पर क्यों मिले थे। अगर मोदी इसके लिए जिम्मेदार है तो इन लोगों की जो मीटिंग हुई थी गोधरा कांड के वक्त और उसके ठीक बाद ये मीटिंग किस लिए हुई थी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि 2002 में जो गुजरात सरकार को अस्थिर करने के लिए कांग्रेस की तरफ से उन्हें फंड मिला था वो क्यों मिला था। आखिरकार कांग्रेस ने कहा कि जो जांच एजेंसियां हैं वो अहमद पटेल को फंसाने का काम कर रही है, लेकिन इसका प्रूफ क्या है, क्योंकि देखा तो गया है कि 5 लाख रुपए और बाद में 25 लाख रुपए तस्टा सितलवाड़ को दिया गया है। तो अब सवाल खड़े हो रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जो जांच एजेंसी है वो अहमद पटेल के खिलाफ आरोप लगाने के लिए प्रधानमंत्री की ही व्यवस्थित रणनीति का हिस्सा है। अब वो सवाल जो खड़े हो रहे हैं वो पूरी तरह से SIT पे सवाल खड़ा कर रही है, वो नरेंद्र मोदी पे सवाल खड़े कर रही है और वो कह रही है कि ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वह खुद उस दौर के सांप्रदायिक कत्लेआम के लिए जिम्मेदार थे। नरेंद्र मोदी को वो जिम्मेदार ठहरा रही है। उनका कहना है कि दोषमुक्त साबित कर सके अपने आप को अगर नरेंद्र मोदी, वो दिखाएं कि वो किस तरह से उसमें शामिल नहीं थे। इस घटना के लिए जो भी कुछ हो रहा है वो सब इनके इशारे पे हो रहा है क्योंकि उस वक्त वहां के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। लेकिन सवाल ये है कि SIT के मुताबिक आरोपी सितलवाड़ा ने इस षड्यंत्र में शुरू में हिस्सा ले लिया था और शुरू से ही इस षड्यंत्र का हिस्सा थे। उन्होंने गोधरा ट्रेन की घटना के कुछ दिनों बाद ही अहमद पटेल के साथ बैठक की थी और मैं आपको बता दूं कि पहली बार में 5 लाख रुपए और दूसरी बार में उन्हें 25 लाख रुपए दिया गया था। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने इस पे गवाही भी दी है, उन्होंने कहा है कि उन्हें पैसे दिए गए थे। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि 2 दिन बाद ही शाही बाग में सरकारी सर्किट हाउस में पटेल और सितलवाड़ के बीच में बैठक हुई थी। अब गवाह सामने आए हैं, नेव पटेल के निर्देश पर सितलवाड़ को 25 लाख रुपए और दिए गए थे। सर्किट हाउस का नाम भी बीच में आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में दिए गए कैश किसी राहत संबंधी कोष का हिस्सा नहीं था। इसमें यह भी कहा गया कि इन बैठकों में कई राजनीतिक नेताओं की मौजूदगी भी थी, बहुत बड़े बड़े नेताओं का नाम भी सामने आया है। अब पूरी तरह से सवाल कांग्रेस सरकार पर उठता नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी अब सवालों के घेरे में नजर आती जा रही है। SIT के आरोप लगाया है कि 2007 में केंद्र सरकार ने सितलवाड़ा को पद्मश्री से सम्मानित भी किया था। जांच एजेंसियों ने उन पर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को हासिल करने के लिए यह प्रयास करने का आरोप लगाया और कहा है कि वो राज्यसभा सदस्य बनना चाहती थी। उनकी यह महत्वाकांक्षा थी कि वो राज्यसभा सदस्य बने, वो ये चाहती थी और पद्मश्री से उन्हें सोचिए आप उन्हें अवार्ड दिया गया, ये बहुत बड़ी बात है। SIT ने एक गवाह का हवाला दिया और उसमें दावा भी किया कि सितलवाड़ा ने एक राजनीतिक नेता से पूछ के अगर सबाना आजमी और जावेद अख्तर को सांसद बनाया जा सकता है तो मुझे क्यों नहीं, उन्होंने ये बात कही थी। और इस पर विचार किया गया था कि सबाना और जावेद अख्तर जो हैं दोनों मियां बीवी है, अगर उनको मौका मिल सकता है सांसद बनने का तो मुझे राज्यसभा सदस्य सांसद बनने का मौका क्यों नहीं मिल सकता है। लेकिन आपको बता दें कि इन सब के बाद भी कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री की राजनीतिक प्रतिशोध की मशीन उस दिवंगत नेता को भी नहीं छोड़ती जो अब इस दुनिया में नहीं है।
जो उनके सियासी विरोधी थे उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी अनिच्छा और अक्षमता की वजह से नरसंहार को नहीं रोक पाए। इसकी वजह से तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उस वक्त के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजधर्म निभाने के लिए कहा था और वह राजधर्म नहीं निभा पाए थे। तो रमेश का ये वीडियो, रमेश जो कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं उनका ये बयान सामने आया है कि SIT अपने राजनीतिक आकांक्षाओं की धुन पर नाच रही है और उनका जो भी ये करना धरना है वो सब अपने बड़े आकाओं के कहने पर करना है। जयराम रमेश ने SIT पर बड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि पहले से ही SIT के प्रमुख को राजनयिक जिम्मेदारी से नवाजा गया था क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री को क्लीन चिट दी थी। क्लीन चिट दी थी इसीलिए उन्हें भी मोदी जी की तरफ से आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि नवाजा गया था। उन्होंने दावा किया कि न्यायिक प्रक्रिया के चलने के दौरान अपनी कठपुतली एजेंसियों के जरिए अनर्गल आरोप लगाकर प्रेस के माध्यम से फैसला सुनाना मोदी शाह की पुरानी आदत है। ये वर्षों से वो करते आए, इसमें हैरानी की बात नहीं है। अब उनका कहना है कि मोदी शाह ऐसा पहले से करते आए हैं, यह मामला कुछ नया नहीं है बल्कि इसी की एक मिसाल। बस इतना है कि ये एक नई मिसाल आप दे सकते हैं। एक दिव्यांग व्यक्ति को बदनाम किया जा रहा है, ऐसे सरेआम बोला जा रहा है झूठ, जो अब वो यहाँ पे आके उसे साबित नहीं कर सकता है। लेकिन सवाल बहुत से हैं कि अब कांग्रेस पार्टी को ये साबित करना होगा कि अहमद पटेल के द्वारा उन्हें पैसे नहीं दिए गए थे, क्योंकि जिस तरह से रिपोर्ट सामने आई है साफ तौर पर ये बताया जा रहा है कि तिस्टा सीतलवाड़ को 2 बार फंड से पैसे दिए गए थे और अब इसमें मोदी को घेरने व नरसंहार नहीं वो रोक पाए थे, इस तरह का राजधर्म नहीं निभा पाए थे। ये सारी बेतुकी बात करने का देखिए कोई फायदा नहीं है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद पैदा हुई और स्वास्थ्य असुविधा की वजह से जो भी हमारे बीच नहीं है अहमद पटेल, उनकी 25 नवंबर 2020 को निधन हो गया था। एक दिन पहले ही गुजरात पुलिस के विशेष जांच दल SIT ने कोर्ट के सामने ये बयान दिया है। SIT ने कहा है कि 2002 के गुजरात दंगे के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की पूरी तरह से साजिश की गई थी। तो ये बड़ा मामला सामने आ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पहले भाजपा के द्वारा और फिर कांग्रेस के द्वारा। अब कांग्रेस के बड़े नेता जो अहमद पटेल रह चुके हैं अब हमारे बीच में नहीं, लेकिन सवाल के घेरे में 2 साल बाद अब वो फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी तिस्टा सीतलवाड़ पर उनके पूर्व सहयोगी जफर सरेशवाला ने भी संगीन आरोप लगाए थे। जफर ने एक TV चैनल के इंटरव्यू में दावा किया था कि तिस्टा तत्कालीन UPA सरकार के नेताओं के इशारों पर काम कर रही है, उनके एजेंडा चला रही हैं। तो पहले भी इस तरह के आरोप लगे थे। इसके साथ ही जफर सरेशवाला ने कांग्रेस नेता अहमद पटेल का भी नाम लिया था। सरेशवाला मौलाना आज़ाद उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद के पूर्व कुलपति और मुस्लिम कारोबारी थे, बहुत बड़े कारोबारी हैं। आपको बता दूँ कि किस तरह से हामिद अंसारी वाले मामले में जिस तरह से NK सूद की ट्वीट को इग्नोर किया गया था, उसी तरह से जफर सरेशवाला की बातों को भी नज़रअंदाज किया गया था। अब बात वही है कि जिस तरह से हामिद अंसारी का मामला सामने आ रहा है उसके बाद से अब अहमद पटेल और जिस तरह से तिस्टा वाला का नाम सामने आ रहा है, अब देखने को यही मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी लगातार अलग अलग मुद्दों पर घिरती जा रही है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जिस तरह से उस वक्त NK सूद की चीज़ों ट्वीट को इग्नोर किया गया था, उस टाइम पे केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या ये सब उनके इशारों पे कहने पे हो रहा था? क्या 2002 के गोधरा कांड में नरेंद्र मोदी की जो छवि थी उसको खराब करने का काम किया जा रहा था? अभी सारे सवाल खड़े होते आ रहे हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा पूरी तरह से कांग्रेस घिरती हुई नजर आ रही है क्योंकि सवाल उनसे ये पूछे गए थे कि क्यों 30 लाख रुपए दिए गए हैं, लेकिन जवाब उन्होंने कुछ और दिए। उन्होंने मोदी के छवि पर सवाल उठाए हैं, उन्होंने SIT पर सवाल उठाए, उन्होंने कहा है कि ये कठपुतली का काम करती है, लेकिन SIT पर सवाल उठाने से और नरेंद्र मोदी शाह पर सवाल उठाने से काम नहीं चलेगा। उन्हें ये प्रूफ देना पड़ेगा कि किस तरह से तिस्टा वाइस में नहीं है शामिल और किस तरह से अहमद पटेल का जो नाम, बड़ा नाम आ रहा है, वो इसमें शामिल नहीं है। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और देखते रहें ओली न्यूज़ नेशन।